उर्वशी आरती से। मैं उर्वशी साहनी हूँ। आई एम रेखा ठोंडियाल। एवरीवन मेरा बहुत बहुत आधार। राजेश जोशी मेरा नाम है। श्री गिरिराज शरण अग्रवाल जी। गीता जी से। हरे कृष्णा सुमन। देश सक्सेना जी से। नमस्कार आकू जी। नमस्कार। अगर मैं खुशबू कहूँ तुम इत्र समझना, गर इश्क कहूँ तो गंज, गर सुकून कहूँ तो किनारा गोमती का, और जो तहजीब कहूँ तो लखनऊ। जी हाँ, अपने लखनऊ की एक अलग ही तहजीब है। अपने रस्मों रिवाज, अपना खान पान और अपनी जबान, अपने ही विशिष्ट लोग हैं, अपने उत्सव हैं, अपने तीज त्यौहार हैं, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा है, सब कुछ अपना। यहाँ किसी को किसी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मुहर्रम, ताजिया, होली, अबीर, गुलाल, सबके अपने अलग कहानी और किस्से हैं। सब एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पंडित बिरजू महाराज हैं तो उस्ताद आफाक हुसैन खां साहब भी हैं। यहाँ हर वो कुछ है जो एक शहर को पूरा करता है। इमारतें, फूड स्टॉल, अदब, अपना कल्चर। इसी कल्चर को YouTube के चैनल पर लेकर आए हैं महमूद मेहदी आबदी, जिन्हें प्यार से हम सब मम्मू साहब कहकर पुकारते हैं। चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि आज क्या कह रहा है उनके मन का कोना। नमस्कार आबदी साहब। आदाब डॉक्टर सुमन। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने इस चैनल पर कुछ बातचीत करने का मौका दिया। आबदी साहब, आपका जन्म लखनऊ में हुआ तो लखनऊ से संबंध स्वाभाविक ही है। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप प्रारंभ से ओजस्वी वक्ता रहे हैं, कई वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया है और विजेता भी रहे हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी गहरी पकड़ है। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। और हाँ, छुटपन में आप बड़ी मज़ेदार बातें करते थे, वो भी बताइए। जैसा कि आपने पूछा कि आखिर अपने बचपन के बारे में हम कुछ बताएं और लखनऊ से क्या हमारा ताल्लुक है, उसके बारे में कुछ अर्ज करें। पैदा परवरिश लखनऊ की हुई है, और वो भी नए लखनऊ की नहीं बल्कि पुरानी लखनऊ की, गोलागंज में। और ये वो लखनऊ है कि जिस लखनऊ की तहजीब और जिस लखनऊ की संस्कार और कल्चर के लिए पूरी दुनिया में लखनऊ जो है वो जाना जाता है, मशहूर है। तो हमने बचपन से ही गली मोहल्लों, दालानों, अंगनाइयों में इस तहजीब को जिया है और इसको समझा है, इसको देखा है, बल्कि इसका एक हिस्सा रहे हैं। लिहाजा हम कहीं भी चले जाएँ, अब हम महाराष्ट्र में हैं 25 साल से ज़्यादा के अरसे से, लेकिन वो जो हमारा मराठी मुलम्मा हम पे अब तक चढ़ नहीं पाया, क्योंकि जो ये बचपन से जो हमारी घुट्टी में मिली हुई लखनवियत है वो हम पर हमेशा हावी रहती है, और हमेशा हमें लोग हमारी ज़बान, हमारे लहजे, हमारे तौर तरीक़े से पहचानते हैं, और वो कुछ हद तक हमें लखनऊ देखते भी हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं कि लखनऊ जैसा अजीम शहर, ऐसी शाइस्ता एक नगरी है, एक ऐसा मजमुआ है शराफ़तों, सलाहियतों का, कि वो उसकी नुमाइंदगी के लायक हम बने। लेकिन फिर भी किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी तौर पर लोग हमें लखनऊ देखने की कोशिश करते हैं, और हमारी भी कोशिश ही रहती है कि कुछ एक लखनऊ की एक झलक हम अपनी प्रोग्राम में, जो आप जानती हैं आज का जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है
कल्चर बाज़ार, उसके ज़रिए से हम लखनऊ की तहजीब से लोगों को वाकिफ करवाते हैं। पढ़ाई लिखाई हमारी सब लखनऊ में हुई। लखनऊ क्रिश्चियन प्राइमरी स्कूल मिसेस लॉरेंस का स्कूल था, वहाँ से फिर सेंटिनल हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई की, फिर कैनिंग कॉलेज यानी अब यूनिवर्सिटी है, और वहीं से सोशोलॉजी में एमए किया, फिर बाद में वहीं से एलएलबी किया, और कुछ अरसे तक ओएनजीसी और गेल में नौकरी की। उसके बाद फिर 1996 में हम बम्बई चले आए और वकालत शुरू कर दी थी हमने लखनऊ में ही, लेकिन उसके बाद फिर हमने यहाँ मुंतकिल हो गए क्योंकि हमारे भाई पहले से ही यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। अब जैसा कि आपने ये भी जानना चाहा है कि आखिर ये बातचीत का, बोलने का तरीका, या इस कदर जो लोग कहते हैं कि आप कैमरा फ्रेंडली हैं, तो ये कैसे हैं, इसके बारे में हमारे साथ के जो लोग हैं वो आपको बेहतर बताएंगे। वैसे अपने मुंह मियां मिट्टू बनना तो कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन हम आपको बताएं कि हम बचपन से ही बहुत ही बातूनी किस्म के बच्चे थे। सारी टीचर्स हमसे बहुत परेशान भी रहती थी और बड़ा मज़ा भी लेती थी हमसे बातें करने में। बाल की खाल निकालना, बातों को खींच खींच के बयान करना, किस्से कहानियाँ सुनाना, ये सब हमारी फितरत में शामिल था। जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में माइनॉर जो मिशनरी स्कूल्स हैं उनमें जो क्रिसमस के ड्रामे होते हैं उनमें एक सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर होता है जो काफ़ी लंबा कैरेक्टर होता है, जो आता है और स्टेज पे कुछ बोलता है, बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देता है। सबसे लंबे डायलॉग सेंटा क्लॉज के ही होते हैं, तो हमें हमेशा बचपन से ही सेंटा क्लॉज बनाया जाता था, फादर क्रिसमस भी जिसको कहते थे, क्योंकि हम लंबी लंबी बातें कर लेते थे और अक्सर अपनी तरफ से भी डायलॉग जोड़ देते थे जिसपे लोग बहुत हंसते थे। बातूनी बहुत थे, सवाल बहुत करते थे, लिहाजा हमारी जो क्लास टीचर थी मिसेस क्लिफर्ड, उन्होंने एक पीटीए में हमारी मदर से कहा कि आपका बेटा जो है ये वकील बनेगा, और वो बात सही हुई, हम वकील ही बने। बातचीत से और बोलने चालने से एक और नाता हमारा जो सरोकार रहा है वो ये कि हम डिबेटर रहे हैं, यूनिवर्सिटी डिबेटर रहे हैं, कॉलेज में भी बोलते रहे, इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स में गए, इनामात भी पाए हैं, हिस्सा लिया है उसमें। और इसी डिबेटिंग के सिलसिले से ही हमको टीवी के एक प्रोड्यूसर थे अविनाश आचार्य साहब, उन्होंने हमको आईटी कॉलेज का जो यूथ फेस्टिवल था उसमें उन्होंने मुझको डिबेट बोलते हुए देखा, वो जज थे वहाँ, उसमें हमको फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो उन्होंने हमसे कहा कि क्यों नहीं तुम टीवी में एंकरिंग करते हो, हमें कुछ पता ही नहीं था, हमारे घर में उस ज़माने में टीवी भी नहीं था, जो टीवी बहुत आम चीज़ नहीं थी, अल्ट्रॉन का एक काला सफ़ेद टीवी होता था जो ख़ास ख़ास घरों में होता था, पूरे पूरे मोहल्ले में, जिसमें पूरा मोहल्ला मिल के चित्रहार और इतवार की पिक्चर वगैरह सब देखते थे, हमारे घर में टीवी नहीं था। तो हमारे वालिद साहब को ज़रा एतराज़ था फिल्मों से, गाने बजाने से, तो उन्होंने कहा नहीं, ये गाने बजाने वालों का ज़रिया है टीवी, इसमें नहीं जाओगे। तो अविनाश आचार्य खुद हमारे घर पर आया और उन्होंने हमारे वालिद को कन्विंस किया कि पढ़ने लिखने वालों का कार्यक्रम है, इसमें क्विज करेंगे, इंटरव्यू करेंगे और इस तरह के प्रोग्राम होंगे जिसमें कॉम्पेयर होंगे, लोग उन्हें देखेंगे, इनके ज़रिए से बच्चों में जो अच्छी बातें जो हैं वो राइज होंगी, फैलेंगी। तो हमारे वालिद थे उस पर राज़ी हो गए, फिर हमने यूथ प्रोग्राम जो उनका योग दर्शन प्रोग्राम था वो हमने करना शुरू कर दिया। वो हफ्ते में एक दिन थर्सडे को आता था, शायद 7:30 से 8 बजे तक। वो इतना पॉपुलर हुआ कि लोग इंतज़ार करते थे, बच्चे बूढ़े सभी उस प्रोग्राम को देखते थे, और काले सफ़ेद टीवी में आप समझिए तो हम उस ज़माने के भारत भूषण हुआ करते थे, सब लोग हमें पहचानते थे, यहाँ तक के लोग आवाज़ हमारी पहचानते थे, और बहुत अंदाज़ लोगों को बहुत पसंद था। उसमें हमने हज़ारों तो नहीं, सैकड़ों प्रोग्राम हमने ज़रूर किए होंगे, उसमें क्विज भी होती थी, उसमें इंटरव्यू होते थे, और उसमें और तरह के मालूमाती प्रोग्राम भी होते थे जो हमने उसमें किए हैं। वो कई बरस तक चला, मेरे ख्याल 10-12 बरस तक हम ये प्रोग्राम करते रहे। फिर वो नौकरी चाकरी के सिलसिले में बाहर चले गए, फिर वो छूट गया, फिर यहाँ बॉम्बे आ गए, फिर वो अब यूथ तो रहे नहीं तो यूथ दर्शन क्या करेंगे। फिर टीवी का जो थी वो ग्रामर भी बदल गई, अब टीवी में उस तरह के तो प्रोग्राम आते नहीं थे जिस तरह के पहले आते थे दूरदर्शन में, यहाँ हा हू वाले और हर कट में एक नया ड्रेस है और एक अंदाज है, ये फुल टाइम जॉब थी यहाँ जो हम नहीं कर सकते थे, तो हमने उसको तर्क कर दिया और फिर नहीं किया। लेकिन जो भी हुनर आप में होता है, जो आपने कहीं पर भी कुछ चीज़ें इन्वेस्ट की होती हैं, चाहे वो इमोशंस हों, चाहे वो आपके एफर्ट्स हों, चाहे आपकी सलाहियतें हों, कोशिशें हों, उनको अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके डिविडेंड्स आपको ज़रूर मिलते हैं। आबदी साहब, एक रचनाकार निरंतर नया सोचता है, गढ़ता है, फिर उसे पेश करता है। लॉकडाउन के दौरान आपने नया क्या किया? अभी ये लॉकडाउन के दौरान किसी का टेलीफोन आया लखनऊ से कि भाई तुम्हारे घर पे ईद का बड़ा जश्न होता था, उसके बारे में कुछ बता दो, हमें किसी को बताना है। तो हमने कहा अच्छा है, तो हमने उनको फ़ोन पे बताया, उन्होंने कहा नहीं तुम रिकॉर्ड कर दो।
तो हमने खड़े होके अपनी यही डाइनिंग एरिया में उसको रिकॉर्ड कर दिया। उनको इतना पसंद आया, उन लोगों ने तो शेयर किया, उन्होंने कहा यार इस पर तुम सीरीज़ क्यों नहीं बनाते हो, और तो पूरी बात तो हुई नहीं है। हमने रमज़ान की रौनकों के नाम से एक सीरीज़ बना दी और वो आने लगी, और बिल्कुल वो कोई प्रोफेशनल नहीं था, घर में बैठ के लॉकडाउन में सब बंद थे, हमारी बेटी रिकॉर्ड करती थी, वो आज भी वही रिकॉर्ड करती है माशाल्लाह, ज़ैनबा जो ख़ुद एक वकील है और जब उनके पास वक्त होता है तो उसको रिकॉर्ड करती। तो वो हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिए और वो 7-8 एपिसोड्स गए, उसके बाद लोगों ने और फरमाइशें शुरू हो की, क्योंकि वो बातों में बातें निकलती रहती थी, तो उसमें और एंगल जब पैदा होने लगे तो लोगों ने कहा आप और बताइए लखनऊ के बारे में, और इस सिलसिले को जारी रखिए। तो हमने फिर कल्चर बाज़ार के नाम से एक अपना एक चैनल खोल दिया, और उस चैनल जो है उसमें 50-60 एपिसोड्स अब तक आ चुके हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, और हमें सोशल मीडिया की पावर का अंदाज़ा नहीं था कितना पावरफुल मीडिया है ये, टेलीविज़न वगैरह अखबार वगैरह तो कुछ माने ही नहीं रखते हैं उसके आगे, जो रीच है सोशल मीडिया की, यानी 5 कॉन्टिनेंट से हमारे पास हमारे प्रोग्राम के जो हैं, जो लखनऊ डायस्पोरा है ख़ासतौर से उर्दू स्पीकिंग लोगों के अलावा जो लखनऊ से ताल्लुक़ रहा है, वो सब लोग इस प्रोग्राम को बहुत चाव से देखते हैं और अपने कमेंट्स भेजते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से कमेंट्स आते हैं, कभी न्यूजीलैंड से आते हैं, कभी न्यू जर्सी से आते हैं, कभी न्यूयॉर्क से आते हैं, कभी लंदन से आते हैं, कभी यूरोप के और शहरों से, कनाडा से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सब जगह से हमारे पास, और हिंदुस्तान के तमाम शहरों से तो आते ही, लोग टेलीफोन भी करते हैं। आपको हैरत होगी, पेशावर से एक फ़ोन आया मेरे पास, एक कोई पठान बच्चा था, उसने कहा हम उर्दू तो पढ़ते हैं मगर हम आपकी तरह से उर्दू बोलना चाहते हैं, आपका जैसा लहजा। तो हमने कहा बेटा उसके लिए तो तुम्हें लखनऊ आना पड़ेगा, जो तुम सुना करो, जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं लखनऊ के उनकी बातचीत को सुना करो तो तुम्हारा लहजा वैसे ही हो जाएगा। इस तरह से बहुत से लोग हैं, गुजरात में लोगों को दिलचस्पी है उर्दू में बोलने की, लखनऊ की तरह की उर्दू को बोलने की। तो ये सिलसिला उस तरह से ये शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है, जब तक चलता रहेगा चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारा फुल टाइम कोई काम तो है नहीं, जब मौका होता है हम कुछ एपिसोड रिकॉर्ड कर देते हैं, और इस तरह से आज तक जारी है। इसमें कुछ एपिसोड्स हमारे जो हमें ख़ुद बहुत अच्छे लगे, एक तो वाजपेयी ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति हमने बताई है बाप के लखनऊ में, कैसे वो शुरुआत हुई है वाजपेयी ब्राह्मणों की, और कुछ पुराने किस्से हैं जो यहाँ के ख़ास लोगों से मुतालिक हैं, कुछ यहाँ की रस्म व रिवाज हैं, कुछ बर्तनों के बारे में हमने बताया है, कुछ बौरची खाने की असलाहत हैं, वोकेबलरी है, और टकसाली ज़बान का तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वो आज भी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको भेजा करते हैं, लखनऊ की जो टकसाली ज़बान है, जो बिगाड़ बिगाड़ के ज़बान को, जो प्रॉपर लफ्ज़ हैं लिखे तो सही जाते हैं बिल्कुल प्रॉपर, लेकिन बोले हुए ख़ास अंदाज से जाते हैं, वो टकसाली ज़बान कहलाती है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा लोगों को अच्छा लगने लगा, और इसी वजह से लखनऊ सेंट्रिक भी है। अक्सर लोग पूछते हैं नाम तो कल्चर बाज़ार है लेकिन इसमें लखनऊ की ही बातें क्यों होती हैं, भाई देखिए ये है, हम लखनऊ की पैदा परवरिश है, हमारी घुट्टी में लखनऊ मिला हुआ है, हमारी जो पूरी जो पर्सनैलिटी है वो वहीं बनी, वहीं पैदा हुए, वहीं सब कुछ सीखा, वहीं सब कुछ देखा, उस तहजीब को जिया, इसे लखनऊ सेंट्रिक है। लेकिन 2-3 एपिसोड हमने राजस्थान पे भी किए हैं, क्योंकि करीब 15 अरसे का वक्त हमने राजस्थान में भी गुजारा है, अक्सर जाते रहते थे वहाँ, और जयपुर इज़ ऑलमोस्ट लाइक माय सेकंड होम, तो वहाँ की भी कुछ कहानियाँ, कुछ टोंक के बारे में, कुछ जयपुर के बारे में, ये भी हमने किस्से जो हैं वहाँ अपने प्रोग्राम में सुनाए, और कोशिश रहती है कि और भी शहरों के हम लोगों से कहते हैं कि आप अगर चाहें तो अपने आप शहरों के बारे में हमें जानकारी दें, जो इंटरेस्टिंग बातें हों तो हम उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। आबदी साहब, आपने कई अर्थपूर्ण वीडियोस बनाए हैं, तो ज़रूर कोई यादगार किस्से भी होंगे, वो सुनाइए। और हाँ, आप लघु कथाएं भी लिखते हैं, एक लघु कथा दुपट्टे आपकी बहुत लोकप्रिय रही थी, उसके बारे में भी बताइए। जी, आपने सही याद दिलाया कि जो इतने बहुत से करीब 50-60 एपिसोड्स हमारे आ चुके हैं उनमें कौन सी यादगार बातें हैं, तो हमने वाजपेयियों का जो एपिसोड किया था वो बहुत यादगार है। उसके अलावा कुछ पुराने किस्से हमने नवाबीन के सुनाए जिनको हमने बचपन में देखा है, उनके नाम वगैरह हमने नहीं लिए, नाम उनके बदल दिए हैं, लेकिन जो जानकार लोग हैं उसको समझ गए और बहुत ज़्यादा उनको मज़ा भी आया उसको देखने में, और लोगों की और फरमाइश हुई कि आप और भी किस्से आप जो आपने देखे हैं सुने हैं वो आप सुनाएं, वो हम करेंगे अपने अगले एपिसोड्स में। कुछ एपिसोड्स हमारे ऐसे हुए हैं कि जो वाकई हमारे भी दिल को बहुत छू गए। हम शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, आपको पता है, तो हमारी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है दुपट्टे। दुपट्टे का जो पस मंज़र है, जो बैकग्राउंड है, वो है मुल्क के तकसीम के दौरान का, यानी जब मुल्क का बंटवारा हुआ 1947, और उसके बाद कैसे हालात बिगड़े, यहाँ से लोग चले गए,
घर बट गए, रिश्तेदार जुदा हो गए एक दूसरे से, फिर यहाँ ज़मींदारी अबॉलिशन हो गया, ड्योढ़ियाँ जो थीं, जो महल थे वो वीरान हो गए, फिर उनसे जुड़े जो मिडिल क्लास के लोग थे वो किस तरह से परेशानी से दो चार हुए और हालात सबके बहुत ख़राब हो गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि घर के बर्तन और चांदी का सामान और जेवर तो सब बिका, गिरवी गांठ पर रखा गया, और यहाँ तक के जो कपड़ों पर जो सोने चांदी का काम बना था उनको भी जला जला के बेचा जाने लगा। वैसी एक कहानी हमने जो हमने देखी, जिसको महसूस किया, और बहुत कुछ उस दौर से हम खुद भी गुजरे हैं, तो हमने एक कहानी लिखी, बहुत छोटी सी कहानी, दुपट्टे। उस कहानी को कैसे बेगम साहब का दुपट्टा उसमें बिक जाता है, वो जलाया जाता है और उसमें से चांदी निकाल के वो सुनार जो है वो ले जाता है, उनको कुछ पैसे दे देता है ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। इस कहानी को सुनकर आप यकीन मानिए कि कितने लोगों ने हमको ये बात लिखी है कि इसको सुनकर वो रो दिए, और खसूसन पाकिस्तान से लोगों ने लिखा कि हमें इस तरह के किस्से अपनी दादी से सुने हैं हमने, उत्तर प्रदेश के बहुत से ताल्लुकदार घरानों से ये हमें रिएक्शंस और रिस्पॉन्स मिले कि ये तो हमारी आप बीती कहानी है और आपने बहुत अच्छी तरह से इसको बयान किया और हमारी आंखें भीग गईं और हम अशकबार हो गए। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर। एक रिएक्शन और भी यहाँ पर बताना हमें ज़रूरी है, वो ये है कि हमने जब आसिफ उद्दौला के इमामबाड़े की तामीर के बारे में जब जिक्र किया था कि कैसे जब वो बना है, तो वहाँ एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसका नाम था लाडो साकन या लाडो सक्कन। सक्कन या साकन कहते हैं जो पानी पिलाता है राहगीरों को। तो वो वहाँ पर रहती थी। नवाब आसिफ उद्दौला बहादुर ने कहा कि हम यहाँ इमामबाड़ा बनाएंगे, तो लाडो ने कहा कि इमामबाड़ा तो हमारे यहाँ भी होता है, हम ये ज़मीन आपको नहीं देंगे। इमामबाड़े की ज़मीन में एक कान आ रहा था, वो ज़मीन दे नहीं रही थी। तो नवाब आसिफ उद्दौला बहादुर बनफ से नफीस यानी ख़ुद लाडो की झोपड़ी पर गए और उनसे उन्होंने फरमाइश की, पूछा तुम क्या चाहती हो? तो लाडो ने कहा कि आपका बहुत शाही इमामबाड़ा होगा, वाकई आसिफ उद्दौला का इमामबाड़ा जो बड़ा इमामबाड़ा है दुनिया में, एक नायाब इमारत है, तो इसमें तो बहुत बड़े बड़े सोने चांदी के ताजिए होंगे, बहुत जाओ हशम होगा, बहुत शान शौकत से मुहर्रम होगा, लेकिन मैं भी एक कागज़ का ताजिया रखती हुई हूँ और साल भर पैसे जमा करती हूँ उसके लिए। मेरी आपसे सिर्फ कीमत यह है इस ज़मीन को देने के एवज़ में कि आपके ताजिए के साथ नहीं बल्कि उससे पहले जिस तारीख को 28 तारीख को यानी मुहर्रम से दो दिन पहले जब मुहर्रम का महीना शुरू होता है मेरा ताजिया यहाँ रखा जाएगा और वो आपके शाही ताजिए के साथ साथ निकलेगा। आज भी ये होता है कि शाही जुलूस में शाही जो जरी होती है उसके पीछे एक ताजिया होता है कागज़ का, उसको कहते हैं बुढ़िया का ताजिया, वो लाडो सक्कन का ताजिया है। जो लोग बड़े इमाम बाड़े जाएँ जो उसका पहला हॉल है उसमें आप जैसे दाखिल होंगे तो उसके दाहिनी तरफ पे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे एक कागज़ का ताजिया साल भर रखा रहता है, उसको कहते हैं लाडो सक्कन का ताजिया। और गाइड आपको सबसे पहले उसी ताजिए पर ले जाते हैं और उसके बाद इमाम बाड़े की और जितनी चीज़ें हैं उनके दर्शन आपको करवाए जाते हैं। तो इस वाक्य को सुनकर हमारे पास एक फ़ोन आया, शायद वो लंदन से उन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि आपके एक दोस्त हैं आयरलैंड में, डबलिन में, हमने उनसे आपका नंबर ये लिया। सिराज जैदी एक फिल्म मेकर हैं, हमारे बचपन के दोस्त हैं, छोटे भाई जैसे उनके बड़े भाई जिया जैदी हमारे दोस्त हैं, तो सिराज से उन्होंने नंबर लिया और कहा हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपका प्रोग्राम उनको बहुत अच्छा लगा, स्पेशली लाडो सक्कन का एक कैरेक्टर हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत अपील किया और हम इस कैरेक्टर को ड्रामाटाइज करना चाहते हैं। और आप जानते हैं फ़ोन था किसका? ये फ़ोन था बहुत ही मशहूर गायिका और एक्ट्रेस ईला अरुण साहिबा का। वो दिन और आज का दिन ईला अरुण साहिबा हमारा हर एपिसोड देखती हैं और उसके बाद वो अपना रिएक्शन भी भेजती हैं, लिखित में नहीं बल्कि वो हमको फ़ोन करती हैं और वो कहती हैं कि हम इसको बराबर सुनते हैं आपका, और कभी जो हमारा जो मुस्लिम कैरेक्टर उनको मिलते हैं तो उसमें हम लोग का लहजा, हमारे मुहावरे वगैरह जो हैं उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। ईला अरुण साहिबा ने यह भी बताया कि उनकी माता जी जो थी वो लखनऊ की थी और वो वाजपेयी ख़ानदान से थी, और वो शेर ने जिन वाजपेयी साहब जो IPS थे उनको ज़ख्मी किया था वो उनके मामा होते थे। देखिए किस तरह से इस प्रोग्राम से सिलसिले जुड़े हैं। और उनकी बहन जो रमा पांडे हैं जो अपना एक लाइव प्रोग्राम करती हैं फेसबुक पर, उन्होंने भी अक्सर हमारे इस एपिसोड्स को रेफ़र किया है। तो ये एक इस प्रोग्राम की हम समझते हैं कि अच्छी शुरुआती कामयाबी है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से रिएक्शन आते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि लाडो सक्कन का कैरेक्टर हम एक शॉर्ट स्टोरी में कुछ इस तरह उतारे हैं कि उसको स्टेज पर ईला अरुण साहिबा जो है वो ड्रामे की शक्ल में पेश कर सके। आपने दूरदर्शन के युव दर्शन कार्यक्रम का तो जिक्र किया है, पर मुझे याद है कि एक कार्यक्रम और था जो अच्छा खासा लोकप्रिय रहा था,
उस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। सुमन, दूरदर्शन के जमाने का एक और हमें जो दौर है वो याद आता है, वो है कि जब दूरदर्शन के बाद हमने शुरू किया था एक प्रोग्राम, क्या आप जानते हैं, ये एक अजीब तरह का प्रोग्राम था जिसमें हम दिलचस्प बातें जो लोग अक्सर देखते तो हैं मगर उसको नोटिस नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम हफ्तेवार तरीके से बयान करते थे। उसमें एक जो एपिसोड था हमारा बड़ा पॉपुलर हुआ था वो ये था कि जिसमें हमने बताया था कि जब मर्द बाहर से कभी घर आते हैं तो चाबी का गुच्छा उंगलियों में घुमाते हुए आते हैं, जबकि लेडीज़ जब तक घर के दरवाजे पर नहीं पहुंच जाती हैं वो पर्स से या जहाँ भी रखती हैं वो चाबी का गुच्छा वो नहीं निकालती, दरवाजे पर आके ही निकालती। दूसरा कि मर्द जो है वो सामने की तरफ से टूथपेस्ट को नहीं दबाते हैं बल्कि पीछे की तरफ से उसको प्रेस करते हैं, और औरतें जो हैं वो आगे की तरफ से प्रेस करती हैं। इसी तरह की बहुत सी दिलचस्प बातें थी जो हम अक्सर उसमें बयान किया करते थे। वो प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ था और ऐसा हो गया था कि हर हफ्ते हमको जाना पड़ता था उसके लिए, और कभी कभी शूटिंग का या रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं होता था। मेरे ख्याल से हम उस ज़माने में अकेले दूरदर्शन के ऐसे कंपेयर थे कि जो लाइव प्रोग्राम करते थे, बहुत कम होता था कि लाइव प्रोग्राम कोई करे उनके अनाउंसर्स के अलावा। और ये प्रोग्राम जो न्यूज़ आती थी शाम को 7:30 या 8 बजे उसके फ़ौरन बाद होता था, तो नरेश श्रीवास्तव साहब या निर्मला कुमारी जी खबरें पढ़ती थी और जैसे ही वो हटती थी और एकदम से स्क्रीन पर कुछ और आता था कुछ, और बस उसके बाद हम उस पर बैठ के इस प्रोग्राम को हम पेश किया करते थे। ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ कि दिल्ली दूरदर्शन ने इसी की तर्ज पर एक प्रोग्राम शुरू किया था, ऐसा भी होता है। अब कोई कॉपीराइट वगैरह तो उस ज़माने में होता नहीं था, दूरदर्शन का वो भी प्रोग्राम था, दूरदर्शन का ये भी प्रोग्राम था, ऐसा भी होता है ज़रा, वो उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा थे, उसमें कुछ हम तो खाली उसमें तस्वीरें दिखाते थे और बयान सिर्फ हमारा होता था, लेकिन दिल्ली के उस प्रोग्राम में जो था वो काफ़ी विजुअल्स भी होते थे। वो प्रोग्राम भी बहुत दिन चला उनका, फिर हम जब लखनऊ से चले आए तो प्रोग्राम बंद हो गया, लेकिन अब भी लोग हमें दूरदर्शन के हवाले से क्या आप जानते हैं से बहुत याद करते हैं और अब भी लोग पहचानते हैं। हम इस मोहब्बत के लिए तमाम अपने जो दर्शक थे उनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे। चलते चलते आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? सुमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस ये मौका फराहम किया कि हम आपके चैनल पर आएँ और आपके दर्शकों से रूबरू हो, और बहुत सा सिलसिला है इसमें तो बातें निकलती आएंगी, कभी और मौका हुआ तो और भी बातें की जाएंगी लखनऊ के हवाले से, कल्चर के हवाले से। और कल्चर पर याद आया कि हमारा जो चैनल है कल्चर बाज़ार, उसको आपके दर्शक भी ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, उसको सब्सक्राइब कराएं, उसका बेल का आइकन दबाएं। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर आता है कल्चर बाज़ार के नाम से, उसको भी आप हज़रा ज़रूर देखें। और सुमन, एक मरतबा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इतने अच्छे चैनल को चलाने के लिए, और इसी तरह से और भी सांस्कृतिक हों और सोशली एक्टिव जो लोग हों उनको आप ज़रूर इस प्रोग्राम में बुलाया करें। हम तो बहुत शौक़ से देखते हैं, अब तक के जो आपके इंटरव्यूज़ आए हैं वो बहुत ही अच्छे और बड़े पायदार होते हैं और एक मेयार के होते हैं। आपको एक बार फिर मुबारकबाद के बाद के साथ साथ अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, और आपसे और आपके दर्शकों से सबकी खिदमत में हमारा नमस्कार और आदाब। बहुत बहुत धन्यवाद आबदी जी कि आपने हमारे कोना मन के आमंत्रण को स्वीकार किया और अपनी बहुमूल्य जानकारी हमारे साथ साझा की। हमारा सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः धन्यवाद।